व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ की बैठक मंगलवार को पुलिस लाइन स्थित मेज सभागार में संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा ने किया। बैठक में पूर्व के बिंदुओं पर चर्चा के साथ व्यापारी समस्याओं से निजात दिलाने पर चर्चा की गई। बैठक में व्यापारियों ने रात्रि गश्त बैठाने के साथ व्यापारियों की सुरक्षा के साथ व्यापारियों के प्रतिष्ठानों की सुरक्षा की मांग की गई, जिस पर एसपी क्राइम ने आश्वासन के साथ संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया। बैठक में चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष संजय सिंघानिया, मदन अग्रहरी, अभय निषाद, नर्मदा श्रीवास्तव, अजय जायसवाल सहित अन्य व्यापारी नेता मौजूद थे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी क्राइम अशोक कुमार वर्मा ने कहा, तो सर बात सही है, जिसकी दुकान के सामने लगता है, जिसका दुकान प्रभावित होता है, वो अपने दर्द को समझता है। तो भाई दारू की दुकान है सर, वही डोसा लगाता है, पूरा फैल के वो सारी दुकान को डिस्टर्ब करते हैं। चूंकि अभी जो छोटे तबके के व्यापारी, छोटे मोटे जो कोरोना से जो लागल रहे हैं, जिनकी रोजी रोटी तबाह हो गई है, छोटा मोटा पैसा लगा करके अगर साइकिल पर ही खड़ा करके अगर अपने जीव उपार्जन के लिए कुछ कर रहे हैं, करने दो, उसको थोड़ा सा समय देना चाहिए, अब कहना चाहिए बस। ऐसे महामारी को झेलते हुए हमारे कहने का तात्पर्य सर ये है कि अब जाड़े का समय आ गया है, और कोरोना की महामारी में जैसा सुनने को मिल रहा है, धीरे धीरे अपना दस्तक भी दे रहा है, तो इसमें थोड़े बहुत थोड़ी सी सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। बहुत ही बहुत कम हुआ और आपके देख रेख में बहुत अच्छा कार्य हुआ जी, थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा सबसे हम लोग बरत रहे हैं, कार्रवाई हो रही है, अच्छा साफ साफ कराया है, उसी तरह कचहरी चौराहे से गणेश चौराहे तक को भी साफ करा दिया जाए, ताकि शहर अपना देख रहे हैं सुंदर लगे, यातायात व्यवस्था सुगम ये हो गई है। छोटे व्यापारी नहीं मरे हैं, बड़े व्यापारी नहीं मरे हैं, जो लाखों रुपए करोड़ों रुपए का माल अपने गोदाम में भरे हुए और लॉकडाउन के वजह से वो व्यापार नहीं कर पाए, उनके सामने भी समस्याएं हैं सर। आज थोड़ी सी लगन नया शुरू हुआ है, छोटा मोटा काम शुरू हुआ है, तो उनके एक आस जगी हुई है, लेकिन वो क्या करें। रितो से पहली बार मीटिंग में कौन कार्यक्रम जारी करते हैं, वो उसमें खासतौर से हर बार 1 से लेकर 17 बिंदु तक घटा जाए, उस पर फिर से नजर डालिए। तो हम लोगों का ये जो मीटिंग है, मीटिंग के बिंदु भी यही है, होना भी है, इसको देखें सर। नंबर एक है व्यापारियों को शस्त्र लाइसेंस का की आवश्यकता और निर्माण, किसी व्यापारी भाई को शस्त्र लाइसेंस की आवश्यकता है, मांग कर रहे हैं, अगर उसमें कोई दिक्कत परेशानी आ रही तो उसमें क्या बोलते हैं हमारे स्तर से व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ स्तर से निपहल हो सकता है। दूसरा है व्यापारियों द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमों में सुरक्षा की मांग, अगर कुछ सुरक्षा मांग कर रहे हैं, कोई भय है, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, सुरक्षा के दृष्टिकोण वाली। नंबर तीन जैसे व्यापारियों से रंगदारी की मांग से संबंधित प्राप्त शिकायतें, इस तरह 17 बिंदु देख लिए इसमें। अब ये जो फुटकर ये क्या कहते हैं आप लोग, फुटकर व्यापारी कहते हैं ये, नहीं छोटे व्यापारी नगर निगम की चौकी के अंतर्गत आता है, जो ये कचहरी के बगल में जो सब्जी की मार्केट बनी है, आप सर वहाँ पता करा लीजिए, अभी कम से कम 20-25 ठेले वहाँ लग सकते हैं, जगह खाली है, कोई लगाने वाला नहीं है, वहाँ कोई जाना नहीं चाहता है, वो केवल सर अगर 25 चेले तो वहीं शिफ्ट हो सकते हैं, अगर चौकी चार साहब को कहिए जाकर ले लीजिए, 25 चेले वहाँ शिफ्ट हो सकते हैं, लेकिन वहाँ जाना नहीं चाहते हैं। तीसरा बिंदु है इसमें, उच्च स्तर में निर्णय लेना ही उचित है, तो पूरे शहर में लिया जाए, स्वागत है, बक्सीपुर में है, समीक्षा भी होती है आयु महोदय के स्तर से, अपने जिलाधिकारी महोदय के स्तर से भी मीटिंग हॉल में वहाँ रखिए, मेरे ख्याल से
ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित होती है, ट्रैफिक व्यवस्था खासतौर से भाई सब जगह हटे इनको दर्द नहीं होगा, कहीं हटा दिया जाए कहीं खुलेआम चली अली नगर घेरा हुआ चौराहे पे एकदम घेरा हुआ है जहाँ सुरक्षा वाली बात है आज तक कोई हटा नहीं पाया वही हम लोग बताइए जो रोड पे होगा। ये मीटिंग व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ एक से संबंधित है और ये पिछले तीन साल से प्रत्येक माह यह मीटिंग का आयोजन जनपद गोरखपुर में हो रहा है हमारे डीजीपी महोदय के आदेशानुसार। तो जैसा कि नाम है व्यापारी सुरक्षा प्रकोष्ठ, व्यापारियों जो व्यापारी भाई हैं उनके सुरक्षा के विभिन्न बिंदुओं के संबंध में विभिन्न पहलुओं जो हैं उनसे संबंधित जो भी सुरक्षा के विषय हैं, खासतौर से अभी मैं बता भी रहा था कि पिछले 17 बिंदुओं की एक सूची जारी की गई थी, जैसे व्यापारियों को सस्त लाइसेंस की आवश्यकता, पब्लिक मांग के संबंध में, दूसरा व्यापारियों द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमों में सुरक्षा की मांग, तीसरा व्यापारियों से रंगदारी की मांग से संबंधित प्राप्त शिकायतें, चौथा ऐसे चिन्हित स्थान जहां पर व्यापारियों के साथ सर्वाधिक घटनाएँ घटित हुई हैं, पाँचवा व्यापारियों के साथ पिछले 5 वर्षों में घटित घटना के अनावरण हेतु शेष घटनाओं का ये विवरण, ऐसे सभी बिंदु हैं। 16वां बिंदु जैसे है व्यापारी समुदाय द्वारा अन्य मांग जो रखी गई हो। 17वां है सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने पिलाने के विरुद्ध कार्रवाई। तो इन सब बिंदुओं पर जो जैसे व्यापारिक जो गतिविधियां हैं वो प्रभावित होती हैं, व्यापारी भाई उनका कारोबार प्रभावित होता है या किसी रंगदारी से संबंधित मामला हो या कोई मुकदमा से संबंधित मामला हो या जो भी पहलू हो उन्हीं सब संबंध में, ख़ास तौर से आज ये जो सड़क पर ये जो पटरी व्यवसायी लोग हैं आज इसके बारे में भी बात उठाया गया है। लेकिन व्यापारी भाइयों को बताया गया कि इसके संबंध में आयुक्त महोदय के मीटिंग में भी ये बात रखें और ये जिलाधिकारी महोदय के संबंध में भी, क्योंकि मतलब ये जहाँ तक पटरी व्यवसायियों की बात है और दूसरी तरफ इसी संबंधित ये ट्रैफिक व्यवस्था भी प्रभावित काफ़ी होती है, इनको अतिक्रमण और ट्रैफिक की काफ़ी समस्या है, सड़कों पर देखा काफ़ी अतिक्रमण है, दुकानें भी लग रही हैं सड़क पे, ठेले खोमचे वाले तो लगाते ही हैं, इसको लेकर के काफ़ी जाम भी रहता है और कोई भी आता है तो जान की शिकायत करता है, उसके लिए क्या जो शिकायतें प्राप्त होती हैं जिन कोई विशेष स्थान जो बताया जाता है इस पर क्या वो संबंधित को बताया भी जाता है उस पर हम लोग कार्रवाई करते हैं। चौकी प्रभारी जो थाना अध्यक्ष हैं, सीओ साहबान हैं, हमारे जो एसपी ट्रैफिक महोदय हैं, जिनसे संबंधित मामला रहता है उनको बताया भी जाता है, ये कार्रवाई जारी की जाती है। ये संबंधित खास तौर से इस मीटिंग में सामने आए हैं, इसका निस्तारण किया जाए और निस्तारण ये बराबर ये इस पर लगातार ये कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता रहती है। ये नहीं कि आज कार्रवाई हो गई फिर कल ये व्यवस्था फिर चुस्त दुरुस्त मिलेगी, खासतौर से ट्रैफिक व्यवस्था। तो सब व्यापारियों से कुछ सहयोग की अपेक्षा की आप इन लोगों से कि अपनी दुकानें किस तरह लगा नहीं, व्यापारी बंधु लोग स्वतः ही समझदार हैं, ये जहाँ ये जाम होगा जहाँ ये अतिक्रमण होगा तो इनका व्यवसाय खुद ही प्रभावित होता है। तो फिलहाल ये खुद जागरूक है और इनके सहयोग के लिए मीटिंग हम लोग यहाँ कर रहे हैं, जहाँ इनसे सहयोग की आवश्यकता होगी जो अपेक्षाएं होती हैं उनको भी बताया जाता है और ख़ास तौर से इनके हितों के ही बारे में हम लोग अपना गोष्ठी का आयोजन करते हैं, प्रत्येक माह करते हैं और ये जो समस्याएं रहती हैं काफ़ी हद तक हम समस्याओं का निराकरण अब होता भी है और जो समस्याएं ये तुरंत निस्तारण नहीं हो पाता फिर इसको अगली मीटिंग में भी रखते हैं, फिर पुनः मीटिंग में रखते हैं जब तक इसका समाधान नहीं हो जाता है।